अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रैवलर, जो है हमारा U3 सेलेबस में से ऑन पेज नंबर 87। तो इस चैप्टर में हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेस में जो है वो रॉक्स किस तरह से होते हैं, वहाँ पर रिवर भी होते हैं, वो किस तरह के होते हैं प्लानट पर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रैवलर, जो राइटर जो है वो जब वो स्पेस में जाते हैं तो वो एक डायरी बनाते हैं। तो वहाँ पर जो स्पेस में उसने क्या क्या देखा, ये उन सारे चीज़ों के बारे में वो अपनी डायरी में लिखता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रोफेसर शोंकू, अ बंगाल साइंटिस्ट, हैज़ बिल्ट अ रॉकेट एंड सेट ऑफ टू मार्स। हिज कंपेनियन आर हिज सर्वेंट प्रहलाद एंड हिज किड न्यूटन एंड अ रॉबोट ही हैज़ बिल्ट कॉल्ड बीटू शेखर। रीड ऑन टू फाइंड आउट अबाउट देयर एक्सपीरियंस। एक प्रोफेसर थे यहाँ पे जिसका नाम था, जो एक बंगाली साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शोंकू, हैज़ बिल्ट अ रॉकेट, उन्होंने एक रॉकेट बनाया था मार्स पर जाने के लिए। मार्स जो है वो एक प्लानट होते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने एक रॉकेट बनाया था। उसके साथी जो थे, कंपेनियन मीन्स साथी जो है, उसका एक नौकर था, सर्वेंट था जिसका नाम था प्रहलाद, और उसका एक कैट था बिली जिसका नाम था न्यूटन, और उसने जो एक रोबोट भी बनाया था उसका नाम था बीटू शेखर, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर होते हैं, एक सर्वेंट उसका सर्वेंट होते हैं प्रहलाद, और उसका एक कैट होता है न्यूटन, और उस जो उसने एक रोबोट बनाया हुआ था जिसे कहते हैं बीटू शेखर। तो वो लोग जो है वो मार्स पे जाते हैं, तो मार्स पे उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल किया, मार्स पर उन्होंने क्या क्या देखा, उन सारे चीज़ों के बारे में वो यहाँ पर अपनी डायरी में लिखते हैं। We landed on Mars 2 hours ago. I'm writing my diary sitting on a yellow, soft yellow rocky mound. Everything here, the trees, the ground, stones and rock is kind of soft and feel like rubber. तो वो कहता है कि हम बस मार्स पे पहुँच कर जस्ट 2 hours हुए हैं, 2 घंटे हुए हैं, तो वो अपना डायरी लिख रहा है कि सॉफ्ट येलो जो है वहाँ पे स्पेस में जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टान होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक वो सॉफ्ट जो है माउंटेन रॉक पे बैठकर, एक पहाड़ एक चट्टान पे बैठकर वो ये डायरी लिख रहा है। तो वो कहता है कि एवरीथिंग हियर, यहाँ पे हर चीज़ें, चाहे ट्रीज़ हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे स्टोन हो, चाहे रॉक हो, सारे के सारे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हमारी तरह हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं बहुत ही, एंड फील लाइक रबर, जैसे कि रबर जब हम हाथ में उठाते हैं तो कितने सॉफ्ट होते हैं, इसी तरह वहाँ पे जो सारे ट्रीज़ होते हैं, ग्राउंड, स्टोन, रॉक, एवरीथिंग वहाँ पे जो स्पेस में, वो रबर की तरह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए। अ लिटिल डिस्टेंस अवे अ रेड रिवर इज़ फ्लोइंग बाय, इट टुक मी अ वाइल टू रियलाइज दैट इट वाज अ रिवर एज इट वाटर लुक लाइक गोवा जेली। द ग्रास एंड द ट्रीज आर ब्लू एंड इंस्टेड ऑफ ग्रीन, व्हाट इज़ ग्रीन इज़ द स्काई, एवरीथिंग इज़ अपोजिट ऑफ व्हाट वी सी ऑन अर्थ। तो यहाँ पे वो कहता है कि वो थोड़ा सा आगे चलकर जो है उन्होंने स्पेस में, मार्स में जो है एक रिवर देखा जिसका कलर था रेड कलर था, हमारे यहाँ पे रिवर का कलर ब्लू होता है, तो वहाँ पे स्पेस में जो है रिवर का, वहाँ पे एक रिवर बह रहा था उसका कलर था रेड कलर, तो वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सरप्राइज़ हो गया, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो रिवर है और उसका पानी जो है वो गोवा जेली की तरह होते हैं, गोवा जेली जो है वो रेड कलर के होते हैं, तो इसी तरह से वो रिवर भी कलर उसका रेड था, और सारे ग्रास जो और ट्रीज़ थे वो ब्लू कलर के थे, सारे ग्रासेस और ट्रीज़ हमारे यहाँ पर ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन मार्स पर जो है ब्लू कलर के थे इंस्टीड ऑफ ग्रीन, वहाँ पर ग्रीन नहीं था, सारा ग्रास और ट्रीज़ जो है वो ब्लू कलर के थे, और जो है ग्रीन स्काई जो है वहाँ पे, स्काई जो है आसमान जो है हमारे यहाँ पे ब्लू कलर के होते हैं, वहाँ ग्रीन कलर के थे, सो सारी चीज़ें जो अर्थ पे हो उसका ऑपोजिट था, वहाँ पे जहाँ वहाँ पे रिवर का कलर रेड था और वहाँ पे ग्रासेस और ट्रीज़ के कलर्स जो है वो ग्रीन ब्लू थे और स्काई का कलर ग्रीन था, एवरीथिंग इज़ ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी सी ऑन अर्थ, अर्थ से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। आई हैवन्ट येट सी अ लिविंग क्रिएचर, इज़ देयर नो लाइफ ऑन मार्स, देयर इज़ नो नॉइस एट ऑल एक्सेप्ट द स्लाइट गर्गलिंग ऑफ द रिवर, वाई इज़ एवरीथिंग सो क्वाइट। तो आई हैवन्ट येट सी, अभी तक उसने एक क्रिएचर भी वहाँ पर मार्स में, एक मखलूक, मखलूक़ात जिसे हम नहीं कहते हैं,
इंसान उन्होंने या इंसान हो या एनिमल हो कुछ भी उन्होंने मार्स पे नहीं देखा। इज़ देयर नो लाइफ ऑन मार्स, वो कहता है कि क्या मार्स पे ज़िंदगी नहीं होते, देयर इज़ नो नॉइस, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं था, सिर्फ वहाँ पे उस रिवर की चलने की गार्गलिंग मीन्स होते हैं रिवर का बहना, तो रिवर की बहने की सिर्फ आवाज़ आ रही थी वहाँ पे और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वाई इज़ एवरीथिंग सो क्वाइट, वो हैरान था कि यहाँ पे सारी चीज़ें इतना खामोश क्यों है। एट फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू टेस्ट द वाटर इन द रिवर, देन वैन आई सॉ न्यूटन ड्रिंकिंग इट आई कप्ड माई हैंड एंड ड्रैंक अ माउथफुल ऑफ वाटर, इट टेस्ट एब्सोल्युटली वंडरफुल, आई हैड वन सिप एंड ऑल माई टायर्डनेस वनिश्ड। तो वो कहता है कि पहले उस दरिया से रेड कलर के जो पानी बह रहा था वहाँ से वो पानी पीना टेस्ट करना जो है उसे डर लग रहा था, तब उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो है वो वहाँ से पानी पी रहा है, तो उसने अपने हाथों में पानी लिया वहाँ से और वो पीने लगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था पानी, तो उसने एक सिप पिया और उसके सारे जो है टायर्डनेस मीन्स उसकी सारी थकान जो है वैनिश मतलब ख़त्म हो जाना, सारी थकान दूर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखेंगे, कल नेक्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम किस के बारे में पढ़ रहे थे, मार्स पर लाइफ कैसी होती है, मार्स पर उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं ट्रीज होते हैं सारे के सारे रबर की तरह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और यहाँ पर रिवर जो है वो रेड कलर के बहते हैं गोवा जेली की तरह, और ग्रास और ट्रीज जो है वो ब्लू कलर के होते हैं ग्रीन ब्लू कलर के होते हैं, एंड स्काई जो है वो ब्लू कलर ग्रीन कलर के होते हैं। इस तरह से हर चीज़ जो है अर्थ से बिल्कुल अपोजिट थे वहाँ पे। ओके, तो हम यहीं तक रखेंगे, कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट